नमस्कार। एडिक्शन आपकी नज़र में अच्छा है या बुरा? अगर हम इस चीज़ को जस्टिफाई करें तो डेफिनेटली एडिक्शन बुरा ही होता है, लेकिन कुछ एडिक्शन ऐसे होते हैं जिन पर हमारा ध्यान कभी जाता ही नहीं है, या ये कह सकती हूँ कि जिनको हम एडिक्शन मानते ही नहीं हैं। जैसे मोबाइल, एक ऐसी चीज़ जिसके बिना हमारा जीवन नामुमकिन सा लगता है। हाँ, ये सच है हम इसके बिना नहीं रह सकते, लेकिन ये भी एक सच है कि मोबाइल की लत हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, और ये लत आज के समय में केवल बड़ों में ही नहीं बच्चों में भी बढ़ती जा रही है। आप खुद सोचिए, इस मोबाइल की वजह से आपके बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। एक तरफ बच्चों के व्यवहार में बदलाव आ रहा है, वहीं दूसरी ओर पारिवारिक रिश्तों के बीच में दूरियां भी बढ़ती जा रही हैं। मोबाइल ज़्यादा यूज़ करने की वजह से हम सभी में चिड़चिड़ापन भी बढ़ता जा रहा है। इसका सीधा असर हमारी डे टू डे लाइफ पर पड़ रहा है। आज के टाइम में मोबाइल से दूरी बनाना तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा हर काम आज मोबाइल पर हो रहा है। चाहे वो हमारी पढ़ाई हो, चाहे वो हमारे ऑफिस का काम हो, या अपनों से बातचीत करना हो, या रिश्तों को निभाना हो। ऐसा माना जाता है कि मोबाइल से रिश्तों के बीच की दूरियां कम हो रही हैं, क्योंकि हम दूर बैठे अपनों से ही मोबाइल के थ्रू कनेक्ट हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा, जो हमारे आसपास रह रहे हैं, हम उनसे इस लत की वजह से कितना दूर हो रहे हैं? अब समस्या यहाँ आती है कि हम चाहते हैं कि मोबाइल से दूरी बनाई जाए, लेकिन हम बना नहीं पाते, क्योंकि बहुत सारे पर्सनल और प्रोफेशनल काम हम मोबाइल के सहारे करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके से आप मोबाइल से दूरी बना पाएंगे और आपका काम भी नहीं रुकेगा। सबसे पहले ये डिसाइड करें कि मुझे फ़ोन कब और कितना यूज़ करना है। कहने का मतलब है कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपकी ऑनलाइन क्लासेस का टाइम फिक्स है, तो आप डिसाइड करें कि क्लास के अलावा मुझे सोशल मीडिया कितना और कब यूज़ करना है। दुनिया भर के ऐप अपने फ़ोन में इंस्टॉल ना करें, क्योंकि अगर ऐप लिमिटेड होंगे तो मोबाइल का यूज़ भी लिमिटेड हो जाएगा। अपने यूजेस के हिसाब से ऐप इंस्टॉल करें। मोबाइल की वजह से रिश्ते खराब ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि एटलीस्ट जब आप खाना खाएं तो घर का कोई भी सदस्य फ़ोन यूज़ ना करें। घर के अंदर छोटे बड़े सभी सदस्य इस रूल को फॉलो करें। सोशल मीडिया रिलेटेड ऐप्स के नोटिफिकेशन को बंद कर दें। ओनली स्टडी रिलेटेड और वर्क रिलेटेड नोटिफिकेशन ही ऑन रखें, ताकि आप अपनी पर्सनल लाइफ को एंजॉय कर सकें और आपकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब ना हो। थोड़ा दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करें, मिलकर आमने सामने बैठकर बात करें, चैट करने की बजाय कॉल लगाकर बात करें। इससे आपको भी अच्छा लगेगा और आपके दोस्त या रिलेटिव को भी अच्छा लगेगा। सोने से एक घंटा पहले कम से कम मोबाइल यूज़ करना बंद कर दें। अगर आपके लिए एक घंटा पहले पॉसिबल नहीं हो तो कम से कम 30 मिनट पहले ज़रूर बंद कर दें। इस बात को समझें कि मोबाइल का एक्सेस यूज़ हमारे लिए बहुत हानिकारक है। मोबाइल से निकलने वाले रेडिएशन हमारे माइंड और हमारे शरीर दोनों को नुकसान पहुंचा रहा है। इम्पॉर्टेंट काम के अलावा मोबाइल यूज़ करने का टाइम फिक्स कर दें। मोस्टली आपने देखा होगा, मोबाइल हम कब यूज़ करते हैं? जब हम फ्री होते हैं। अरे कुछ भी काम नहीं है, चलो मोबाइल चला लेते हैं। अब उस फ्री टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करना है, लेकिन कैसे? कुछ अपना फेवरेट काम कीजिए। फॉर एग्जांपल, आर्ट एंड क्राफ्ट कर सकते हैं, अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, अच्छे गाने सुन सकते हैं, घर के छोटे मोटे काम में हेल्प कर सकते हैं, प्लांट्स लगा सकते हैं, प्लांट्स की देखरेख कर सकते हैं, और भी ऐसे बहुत से काम हैं जो आपको पसंद हो वो आप कर सकते हैं। जब आप मोबाइल पर कोई काम नहीं कर रहे हैं तो आप इंटरनेट बंद कर दें, इससे डिस्टर्बेंस बहुत कम हो जाएगा। और ये डिसाइड कर लें कि सुबह उठते ही फ़ोन यूज़ नहीं करना है और रात को सोते वक्त फ़ोन यूज़ नहीं करना है। अगर घर के बड़े मोबाइल से रिलेटेड कुछ रूल्स को फॉलो करेंगे तो बच्चे उन्हें देखकर ऑटोमेटिक धीरे धीरे रूल्स फॉलो करने लग जाएंगे। किसी भी अच्छे काम की शुरुआत हमेशा घर के बड़ों से होती है, तो क्यों ना आज इस बुरी लत को ख़त्म करने की शुरुआत भी हम बड़ों से ही करें, क्योंकि वैसे भी बच्चे वही सीखते हैं जो वो देखते हैं। धन्यवाद।